मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। सस्पेंशन का मतलब हो गया हमारे पास कि किसी सॉलिड को हमने लिक्विड में डिजोल्व किया और वो ना घुले, यानी उसके पार्टिकल्स आपको नजर आए, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। दे सेटल एज प्रेसिपिट, अगर हम उसको अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख दें तो वो नीचे बैठ जाए, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने ग्लास वाटर लिया, उसके अंदर सॉइल यानी कि मिट्टी मिक्स कर दें और आपने इसको स्टाइल अप किया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या होगा, आपको पार्टिकल नजर आएंगे सॉइल के, वाटर के अंदर नजर आएंगे, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। दूसरी बात, अगर आप उस ग्लास को अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख देते हो थोड़ी देर के लिए, तो जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हैं दे विल गेट सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएंगे आफ्टर सम टाइम। क्लियर? नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड, इट हैव टू फेज, वन इज सॉलिड, अदर वन इज लिक्विड। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज मोर देन 100 nanometer, इट इज बिगर साइज। क्लियर? पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद नेकेड आई, इट मीन्स हम लोग सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से भी देख सकते हैं। द सस्पेंशन कैन बी सेपरेट बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, अगर आप उस सॉल्यूशन को, मिट्टी वाले सॉल्यूशन को छानते हो तो मिट्टी अलग हो जाएगी बेटा और पानी अलग हो जाएगा, फिल्टर पेपर से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर अनस्टेबल, अनस्टेबल मीन्स अगर आप उसको रख देते हो तो वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि नीचे गिलास में इकट्ठे हो सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें सस्पेंशन का, तो चोक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर, पेंट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन आर हिट्रोजीनियस इन नेचर, होते क्या है ये, हिट्रोजीनियस बट दे अपियर होमोजीनियस, लेकिन दिखते कैसे हैं, होमोजीनियस, एक्चुअल में होते हिट्रोजीनियस है लेकिन दिखते कैसे हैं, होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल, ब्लड और मिल्क, जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, मलाई होती है लेकिन दिखती तो नहीं है, गर्म करने के बाद दिखाई देती है। ऐसे ब्लड के अंदर हमारे पास RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ऐसे पार्टिकल्स हैं, सेल्स हैं, लेकिन नजर तो नहीं आती, तो वो दिखने में कैसा दिखता है, होमोजीनियस दिखता है, लेकिन एक्चुअल में होता कैसा है, एक्चुअली इट इज हिट्रोजीनियस। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल। द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल लाइज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, जो कोलाइडल पार्टिकल है इनका साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, दैट इज 1 nanometer to 100 nanometer। सेकेंडली, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑलवेज हैव टू फेज, कोलाइडल सॉल्यूशन का भी हमारे पास क्या होगा, टू फेज होते हैं बेटा, एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्स मीडियम। कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनियस एज आई टोल्ड यू, बट इट इज एक्चुअली हिट्रोजीनियस। इन कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल गेट पास थ्रू फिल्टर पेपर, अगर आप दूध को छानते हो तो फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा। कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज, कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। कोलाइडल पार्टिकल मूव इन जिगजैग पाथ, जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, इधर उधर कहीं पर भी। कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, वो लाइट को स्कैटर भी करते हैं, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया मिल्क और ब्लड। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एप्लीकेशन बेटा ब्लडिंग होना, जैसे हमारे पास कहीं कट लग गया हमारी बॉडी में तो वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो जब हम उसके ऊपर अलम या फिटकरी जिसको बोलते हैं, अगर वो अप्लाई कर देते हैं तो ब्लड आना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, अलम के साथ रिएक्शन करके ब्लड को थिक कर देता है और उससे ब्लडिंग आना बंद हो जाता है। ऐसे ही सोप, साबुन जो डर्टी क्लोथ को क्लीन करता है उसमें भी क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। इसी तरह जो मेडिसिन हैं
जो हम लेते हैं, जैसे डॉक्टर बोलता है ये दूध के साथ लेना है, ये पानी के साथ लेना है, उसमें भी हमारे पास किसका रोल आता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का ही रोल आता है। जो आप मेडिसिन ले रहे हो उसमें भी किसका रोल आएगा बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन का रोल आता है, कि कुछ मेडिसिन हमें पानी के साथ लेनी होती है, कुछ दूध के साथ। स्काई अपीयर ब्लू, आसमान नीला नजर आता है, वो भी क्यों, क्योंकि एटमोसफेयर में कोलाइडल पार्टिकल है और वो ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन की। अब मैं आप लोगों को कोलाइडल सॉल्यूशन में बताऊंगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बारे में। एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम। फेज क्या होता है, जिसको हम लोग मीडियम में डिजोल्व करेंगे, लाइक सोल्यूट और सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पर्स फेज हमारे पास गैस है और डिस्पर्स मीडियम हमारे पास लिक्विड है, और इससे हमारे पास क्या बनता है, गैस जब बेटा लिक्विड में हमारे पास आ रही है तो हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल आता है, इसको बोलते हैं फॉर्म, लाइक सोप, लेदर, झाग, व्हिप्ड क्रीम, सोडा वाटर, ये एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया सोप, लेदर, झाग जो बनते हैं ना, उसमें बबल्स बनते हैं, तो उसमें एयर जाती है पानी के अंदर, तो बबल्स बनते हैं। गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड को बोलते हैं सॉलिड फॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास आता है रबर है, ब्रेड है, इसके एग्जाम्पल है फ्लबी ब्रेड, ब्रेड जो हम खाते हैं। लिक्विड इन गैस, इसका एग्जाम्पल आता है एरोसोल, लाइक क्लाउड, फोग, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये सब चीजें। लिक्विड इन लिक्विड, इसको बोलते हैं इमल्सन, इमल्सन जैसे मिल्क, कोड लीवर ऑयल एक्सेट्रा। लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल है जेल, जेल यानी कि बटर हो गया, चीज हो गया, जेली जो हम खाते हैं, बच्चे टॉफी खाते हैं जेली वाली, वो चीज। सॉलिड इन गैस, तो इसका एग्जांपल है एरोसोल, स्मोक, धुआं, डस्ट रूम। डस्ट के अंदर आप देखते हो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे एटमोसफेयर में आते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनता है, सॉलिड इन गैस बनता है। नेक्स्ट, सॉलिड इन लिक्विड, दैट इज सोल, उसको हम बोलते हैं सोल, पेंट, स्टार्च डिस्पर्स इन वाटर। सॉलिड इन सॉलिड, दैट इज अलॉय, अलॉय आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो दीज आर द 8 एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। यू हैव टू प्रिपेयर दीज वन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। इन सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, कोलाइडल बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, एंड सॉल्यूशन लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू फील्ड वेपर, कोलाइडल कैन पास थ्रू फील्ड वेपर, और सॉल्यूशन इजिली दे कैन पास थ्रू फील्ड वेपर। इन केस ऑफ सस्पेंशन द पार्टिकल सेटल ऑफ देयर ओन, इन केस ऑफ कोलाइडल दे गेट सेटल डाउन इन ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, और इन केस ऑफ सॉल्यूशन दे डू नॉट गेट सेटल्ड डाउन। सस्पेंशन ओपेक, अपीयरेंस सस्पेंशन की ओपेक, धुंधला दिखता है, जनरली ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन आल्सो शो सस्पेंशन, दैट इज टिंडल इफेक्ट, एंड ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल। In case of suspension, particle does not get diffused. In case of colloidal, slowly diffuse. In case of solution, rapidly diffuse, mix hona.